जय श्री राम। आज 17 जनवरी है और 5 दिन बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने वाला है। कहते हैं कणकण में भगवान। भगवान हर जगह व्याप्त हैं। संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां ईश्वर का वास ना हो, और ये तो एक उनकी महिमा है, उनकी कृपा है कि वो हमारे अयोध्या में सांकेतिक रूप से विराजमान होने आ रहे हैं। ईश्वर एक है, अनेकों रूप हैं। सारी दुनिया में हमने देखा और हमारे देश में भी उनके अनेकों रूप हम इंसानों ने कैलेंडरों में, मूर्तियों में और तरह तरह से विस्थापित किए हैं। हर एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर हमारे देश में भगवान के विभिन्न रूपों के मंदिर मिल जाएंगे। बचपन में मैंने सुना था कि हमारा देश, कभी कभी लोग हंसी मजाक में भी कह देते हैं, हमारा देश भगवान भरोसे चल रहा है या ईश्वर ही हमारा रखवाला है। तो मैं इस बात को बड़ा अजीब सा लेता था, मैं समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों कहा जाता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि ईश्वर का जो बृहदस्थ है, जो उनका योगदान है हमारे जीवन में, वो कैसे है और क्यों है। ईश्वर किस तरह से हमारे जीवन में हमारे लिए सहायक हैं, थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आनंद अखिला, एक वैज्ञानिक। मैं करीब 4 बार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया, 2008 से लेकर 2012 के बीच में। तब मैंने इस बात को ठीक से समझा कि किस तरह से ईश्वर हमारी जीविका चला रहे हैं, हमारे को संरक्षित किए हुए हैं। जब और वही बात मेरे ख्याल से हर जगह लागू होती है कि जब भी हम जाते हैं, मैं वहीं का उदाहरण लेके बात करना चाहूँगा पहले, तो वहाँ पे कितने लोगों का जीवन यापन चल रहा है, उनकी जीविका चल रही है, उनको उनका धनोर्पाजन हो रहा है, और घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, रास्ते में तमाम खाना पीने के वाले हैं, फ़ोटो बेचने वाले हैं, सीडी कैसेट, सबको केवल माता के नाम पे उनका घर परिवार चल रहा है। और यह बात सिर्फ वहीं नहीं लागू होती है, ये बात हर मंदिर में, हर जगह हमारे देश में लागू होती है। जिस तरह से एक संगठित रूप से एक व्यापार पैदा हो जाता है किसी भी मंदिर के आसपास, वो एक यही कहा जाएगा कि ईश्वर एक मूर्ति के रूप में आकर के हमारा जीवन चला रहे हैं। अब अगर हम अपने राम मंदिर जो कि बन के करीब करीब तैयार है उसकी बात करें, तो पहले भी अयोध्या में मंदिर भगवान का था ही, और हनुमानगढ़ी और बहुत से सरयू के किनारे श्रद्धालु जाते ही रहते थे और कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन ये एक इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है जिसकी वजह से हम सबको ये आशा है कि यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही चुका है, लखनऊ में बहुत पहले से ही है, और इस तरह से अयोध्या अब हमारे देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों के बजाय और विदेश से भी सीधा सीधा जुड़ गया है। अभी फ्लाइट्स नहीं शुरू हुई हैं, जल्दी ही वहाँ से भी शुरू हो जाएंगी, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो यहाँ से जो फ्लाइट शुरू होनी चाहिए अयोध्या से, वो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और यहाँ की होनी चाहिए। ये 4-5 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, और यहाँ पे भगवान राम के और भगवान कृष्ण के और हमारे हिंदू माइथोलॉजी से, हमारे कल्चर से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा लोग हैं। उनको हमारी परंपराओं पे, हमारे ट्रेडिशंस पे बहुत विश्वास है, और वो सबसे पहले वहाँ से आना चाहेंगे। अब टूरिज़्म के लिए जो विशेष बातें हैं हमें ध्यान रखनी है कि हमारा टूरिज़्म बढ़े। हमारे देश में मैंने देखा है, मैं अपने बहुत जगहों पे यहाँ भी गया हूँ, कि लोकल टूरिज़्म तो होता ही है, देश से, एक शहर से, एक प्रदेश से लोग आते रहते हैं वहाँ पर, लेकिन जो विदेशियों की प्रतिशत है, देखिए किसी भी देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति विदेशी टूरिज़्म से होती है। इंटरनल टूरिज्म से तो एक जगह का पैसा, जहाँ पर वो व्यक्ति या परिवार जाता है वो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन देश का जो रिज़र्व है, जो जीडीपी है, वो तभी बढ़ेगा जबकि वहाँ पे विदेशियों का टूरिज़्म बढ़ेगा।
और हमें पूरी उम्मीद है इस बात की कि यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबके ऊपर निर्भर करेगा कि विदेशियों के साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, वहाँ पर शहर की गंदगी और सड़कों का विशेष ध्यान रखना होगा, कहीं भी थोड़ी स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए शहर, अयोध्या या अयोध्या जाने वाले सारे राजमार्ग, आसपास के सारे शहर, क्योंकि अब अयोध्या की वजह से लखनऊ, प्रयागराज, काशी, ये सब एक ट्रायंगल बन जाएगा और जो यहाँ पे लोग आएंगे या दूसरी जगहों पर जाएंगे वहाँ से अयोध्या अवश्य आएंगे। तो वहाँ पे हमको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, जो छोटी मोटी लूट मार हो जाती है, विदेशियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, वो कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी किस्सा ऐसा हो जाता है तो उससे बहुत बदनामी होती है देश विदेश में और लोग उससे फिर दूर भागने लगते हैं, जो जाता है वो आजकल सोशल मीडिया पे छोटी सी भी बात लिख देता है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। ध्यान रखना होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा। अब देखिए, जब अयोध्या में होटल्स वहाँ पर पहले से बन ही चुके हैं, जितने राजमार्ग हैं वहाँ पर जो जुड़ेंगे, वहाँ के ढाबों में लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, इसके बाद मंदिर के लिए वहाँ पे मूर्तियाँ भगवान की, उनके कपड़े, फूल माला, दिए, बहुत तरीके का टूरिज़्म से वहाँ पे लोकली अयोध्या के आसपास और जो आसपास के हमारे शहर हैं, पूरा हमारा प्रदेश है, वो लाभान्वित होगा। लेकिन इसके लिए बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, खासकर जनता को भी, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, कहीं कोई गंदगी ना फैलाएं, विदेशियों का सम्मान करें, खासकर दूसरे देश प्रदेश से आने वाले लोगों को इज्जत दें बातचीत में, अपने व्यवहार में, ये बहुत ही आवश्यक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमारे देश में कुछ ऐसा कल्चर है बहुत से मंदिरों में कि एक VIP कल्चर सा डेवलप हो गया है कि जो किसी की जान पहचान में है या कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा टिकट हैं, एक जनरल लाइन है, एक VIP लाइन है, एक अदरवाइज उससे बड़ी लाइन है, 1000 का टिकट लगाइए, पहले दर्शन कर लीजिए, 5000। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में तो सब एक ही है, फिर उसमें क्या VIP और क्या मंत्री और क्या दरोगा, कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं मुझे नहीं लगता कि उनको कोई लाभ होता है फिर वहाँ जाके दर्शन करने में, क्योंकि परमात्मा तो सबको देख रहा है कि आप किस नियत से आए हैं, आप फालतू पैसा दे करके आ रहे हैं, तो एक तरीके का तो ये करप्शन ही हुआ ना कि पैसे दे के अपना काम जल्दी निकाल लेना। अरे भाई, लाइन में लगिए, ईश्वर की उतनी देर और पूजा करिए, इतनी क्या जल्दी है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रशासन से सबसे निवेदन करूँगा कि ये जो कल्चर बहुत से मंदिरों में है हमारे देश में, बहुत से में नहीं है, इस कल्चर को जो है श्री राम के मंदिर में आए, वो सब भगवान की नज़र में एक हैं, जो भी लाइन है, जो भी श्रद्धा है वो करें, ये नहीं कि ये बैक डोर है, ये फ्रंट डोर है, ये सब चीज़ें अगर हट जाएंगी तो हमारे भगवान राम का मंदिर की और ज़्यादा प्रशंसा होगी और ज़्यादा महिमा बढ़ेगी देश विदेशियों की नज़रों में। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक बार जो जनता की लाइन है उसमें लग कर के दर्शन करें, वो तो जाते ही रहते हैं और आगे भी जाते रहेंगे, उससे भी जनता को एक मैसेज जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी वाले तो लाइन के भी इधर उधर हो सकते हैं, मैं उसमें तो कोई झोल करने की बात कर नहीं रहा हूँ। तो अगर हम अब इस श्री राम का मंदिर जो दुनिया में एक अनोखा होगा, श्री राम वहाँ स्थापित होंगे, तो उन ऐसा होना चाहिए, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, उनको कोई भगला फुसला नहीं कर सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत से लोग तो अपना ये वो दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं कि मैंने तो भाई गरीब अमीर, मैं चाहूँगा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं चाहूँ कि श्री राम के मंदिर में गरीब अमीर का कोई भेदभाव ना हो। धन्यवाद।